नमस्कार, राजस्थान की खास खबरों में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मारो राजस्थान। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार से। रीट 2021 को देखते हुए राजधानी जयपुर और जोधपुर शहर में भी आज मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा को देखते हुए पूर्व में जयपुर और जोधपुर जिले समेत अन्य सभी जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद रखने के आदेश निकाले जा चुके हैं। शनिवार देर रात को जयपुर शहर और जोधपुर शहर के लिए इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब जयपुर और जोधपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में भी दिन भर मोबाइल इंटरनेट बंद रहेगा। आदेश के तहत जयपुर में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक इसकी सेवाएं बाधित रहेंगी। इसके अलावा प्रदेश भर में कहीं सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक को कहीं सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक इंटरनेट बंद रखे जाने के आदेश जारी किए गए हैं। रीट परीक्षा के लिए प्रथम पारी में सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक लेवल 2 की परीक्षा होगी। दोपहर में 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक लेवल 1 की परीक्षा होगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा से आधे घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। परीक्षा के लेवल 1 और लेवल 2 के लिए 3,993 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा के लिए कुछ 16,91,812 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया है, जबकि परीक्षा के दोनों लेवल के लिए कुल 25,25,522 परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें 44,000 अभ्यर्थियों ने एक से ज़्यादा आवेदन भरे हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 2 दिवसीय यात्रा पर आज जैसलमेर पहुंचे। उपराष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी उषा नायडू भी आई हैं। नायडू दोपहर 1 बजे भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे। उपराष्ट्रपति जैसलमेर से हेलीकॉप्टर से तनोट जाएंगे। वहां से वे तनोट माता के दर्शन करेंगे। वहां से नायडू भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास स्थित लोंगेवाला जाएंगे। लोंगेवाला में 1971 की जंग के शहीदों को नमन करेंगे। नायडू सीमा पर तैनात जवानों से चर्चा करेंगे। अपने जैसलमेर दौरे के दौरान नायडू का असम जाने का भी कार्यक्रम है। एयरपोर्ट पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज और कल 2 दिन तक जैसलमेर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल कलराज मिश्र और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला भी मौजूद रहेंगे। नायडू तनोट माता के दर्शन करने के बाद लोंगेवाला पोस्ट जाएंगे। वहां वे 1971 की जंग के शहीदों को नमन करने के बाद शौर्य स्थल, हथियारों, सैन्य वाहनों और टैंकों का निरीक्षण करेंगे। नायडू का असम के रेतीले धोरों पर जाने का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके अलावा नायडू डेजर्ट नेशनल पार्क में ग्रेट इंडियन बस्टर की ब्रीडिंग और संरक्षण की गतिविधियों की जानकारी भी लेंगे। वहीं जैसलमेर के अन्य प्रमुख स्थलों पर बॉर्डर एरिया का भी दौरा करेंगे। रीट परीक्षा में राजस्थान भर में नकल कराने के प्रयासों के चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में बीकानेर में पुलिस ने नकल गिरोह के शातिर मुखिया समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया है। यह गिरोह डिवाइस लगी चप्पल के जरिए परीक्षा में नकल कराने के लिए सक्रिय था। पुलिस ने डिवाइस लगी चप्पल बरामद की है। बताया जा रहा है कि नकल कराने के लिए यह एक चप्पल 6 लाख रुपये में बेची गई थी। डिवाइस लगी यह चप्पल 25 लोगों को बेचने की बात सामने आई है। पुलिस ने इस चप्पल समेत कई मोबाइल और सिम भी बरामद किए हैं। वहीं सीकर में कान के ऑपरेशन का बहाना कर एक परीक्षार्थी ब्लूटूथ छिपाकर केंद्र में घुस गया था। बीकानेर में गंगा शहर थाना पुलिस और DST ने संयुक्त कार्रवाई कर चप्पल गिरोह को पकड़ लिया है। पकड़े गए चप्पल गिरोह के सरगना तलछी राम कालेर से पुलिस को पूछताछ कर रही है। यह इस कालेर समेत पकड़े गए 5 लोगों में एक सरकारी स्कूल का लैब असिस्टेंट है। वहीं 3 परीक्षार्थी पकड़े गए हैं। इन 3 परीक्षार्थियों में एक महिला परीक्षार्थी भी शामिल है। ASP शैलेंद्र इंदौरिया ने सहित पुलिस अधिकारियों को पूरे मामले की जांच में जुटे हैं। राजस्थान के 12 जिले में सुरक्षा गार्डों द्वारा 2 मजदूरों की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार जिले के छाबड़ा कस्बे में मोतीपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर में मजदूरी करने आए 2 लोगों को सुरक्षा गार्डों ने अफसरों के कहने पर उल्टा कर डंडों से पिटाई की। मामला सार्वजनिक होने के बाद शनिवार को पुलिस हरकत में आई तथा पीड़ित मजदूरों को रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया। स्थानीय विधायक सिंघवी के अनुसार शुक्रवार को 2 मजदूर छाबड़ा थर्मल में मजदूरी करने गए थे। थर्मल के अधिकारियों ने इन्हें बेवजह गार्डों से बेरहमी से पिटवाया। गार्डों ने अधिकारियों की मौजूदगी में चोरी का आरोप लगाकर मजदूरों के कपड़े उतरवा कर क्रूरतापूर्वक पीटा। उन्होंने कहा कि जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली ऐसी शर्मनाक घटना पहली बार सामने आई है। जब घटना का वीडियो वायरल हुआ तो थर्मल पावर के अधिकारियों ने चोरी का आरोप लगाकर 2 मजदूरों को पुलिस के हवाले कर दिया।
राजस्थान के उदयपुर में बड़ी स्थित नारायण सेवा संस्थान द्वारा विमंडित बच्चों के लिए संचालित पुनर्वास केंद्र के तीसरे बच्चे ने शनिवार को दम तोड़ दिया। उसे फूड पॉइजनिंग के चलते उन 7 बच्चों के साथ उदयपुर के AMB अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 2 की पहले ही मौत हो चुकी थी। इस तरह 5 दिन के अंतराल में 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। अभी भी 3 बच्चे MB अस्पताल में भर्ती हैं। शुक्रवार को प्रदेश के निशक्त जन आयुक्त गजानन शर्मा ने नारायण सेवा संस्थान के पुनर्वास केंद्र व MB अस्पताल का दौरा कर बच्चों के हालात का जायजा लिया और इस मामले में जल्द से जल्द रिपोर्ट देने के लिए जिला कलेक्टर को कहा था। MB अस्पताल के शिशु रोग अस्पताल में भर्ती 6 वर्षीय बालक पुष्कर ने शनिवार दोपहर दम तोड़ दिया। वह पिछले 5 दिन से शिशु अस्पताल के ICU में भर्ती था। ये बच्चा उन रोगियों में शामिल था जिन्हें फूड पॉइजनिंग के बाद नारायण सेवा संस्थान की ओर संचालित विमंडित बच्चों को पुनर्वास केंद्र से यहाँ भर्ती कराया गया था। 7 बच्चों में से 2 की पूर्व में मौत हो चुकी है। इस तरह पिछले 5 दिनों में इस पुनर्वास केंद्र के 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। शनिवार दोपहर तीसरे व्यक्ति की मौत से चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग को गहरा धक्का लगा है। शुक्रवार शाम प्रदेश के निशक्त जन आयुक्त गुजानन शर्मा ने जब MB अस्पताल के शिशु रोग अस्पताल का दौरा किया तो अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन ने बताया कि अस्पताल में भर्ती सभी बच्चे अब खतरे से बाहर हैं और अगले 2-3 दिन में सभी को अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। 5 राज इंडेप कंपनी NCC यूनिट शास्त्री नगर में 5 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। शिविर कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल तेजेंद्र शर्मा ने बताया कि संगम और मेवाड़ विश्वविद्यालय के 100 NCC कैडेट ने भाग लिया। शिविर के अंतिम दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम में ईशान शर्मा, भाग्यश्री बलजीत, रत्नु उज्ज्वल पारिक, दिव्यांशु ऋषिराज, मनोहर सिंह, नेहा गर्ग आदि ने प्रस्तुति दी। इसका संचालन साक्षी पारिक, गौतम जोशी ने किया था। सूबेदार जसबीर सिंह, शैलन सिंह, हवलदार दलवीर सिंह, नरेश कुमार, मनदीप सिंह, महेश कुमार ने सेवाएं दी। अंत में लेफ्टिनेंट कर्नल तेजेंद्र शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। जयपुर शहर के 1/4 एरिए में सोमवार और मंगलवार को पीने का पानी का संकट होगा। बीसलपुर पानी की सप्लाई वाले अमीना शाह हेडवर्क पर मेंटेनेंस वर्क के चलते पंप हाउस को 2 दिन के लिए बंद रखा जाएगा। इसके कारण विद्याधर नगर, शास्त्री नगर, हरमाड़ा, मुरलीपुरा, विश्वकर्मा, अंबाबाड़ी समेत कई क्षेत्रों में 2 दिन तक पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। जल स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग यानी कि PHED के अधिकारियों ने बताया कि अमानी शाह हेडक्वार्टर्स पर बने स्टोरेज और पंप हाउस पर मेंटेनेंस और साफ सफाई का काम करवाया जाएगा। इसके अलावा पंप हाउस पर कुछ जगह रिसाव भी हो रहा है जिससे रिपेयर किया जा रहा है। इसके चलते पंप हाउस को 27 सितंबर सुबह 10 बजे से 28 सितंबर शाम 4 बजे तक बंद रखा जाएगा। इसके चलते 27 सितंबर को शाम की और 28 सितंबर को सुबह की सप्लाई बंद रहेगी। इसी तरह 28 सितंबर को शाम की सप्लाई चुनिंदा स्थानों पर कम प्रेशर के साथ ही की जाएगी। पानी की सामान्य सप्लाई 29 सितंबर को सुबह से होगी। जयपुर के अंबाबाड़ी, विद्याधर नगर, मुरलीपुरा, शास्त्री नगर, नाहरिका नाका, VKI एरिया, हरमबाड़ा, कुकरखेड़ा, मंडी गोपालबाड़ी, सिंहद्वारा, अनोखा गांव, दादी का पाटक, बनीपार के अलावा छोटवाड़ा, निवारू रोड से लगते हुए कुछ एरिए में पानी की सप्लाई नहीं होगी। चमू थाना इलाके में NH 52 पर भोज लावा कट के पास रविवार सुबह एक सड़क हादसा हो गया। यह सड़क पार कर रही एक महिला की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। हादसे के बाद अज्ञात गाड़ी का ड्राइवर अपनी गाड़ी लेकर फरार हो गया। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों की सूचना पर एम्बुलेंस और पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से महिला के शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। ASI रामलाल ने बताया कि NH 52 भोज लावा कट पर सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। मृतक की पहचान राडावास निवासी कमला देवी, उम्र 55 साल, पत्नी रामकरण यादव के रूप में हुई है। कमला देवी अपने ससुराल राडावास में सवार होकर भूमाका की ठाणी चौमू स्थित पीहर में श्राद्ध पक्ष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रही थी। जिले के बागौर थाना क्षेत्र के रेवाड़ा गांव में 20 सितंबर को शाम एक खंडहर कुएं में मिली 50 वर्षीय महिला सूखी देवी की हत्या के मामले में पुलिस ने राज उजागर कर दिए हैं। सूखी की हत्या उसके देवर के 20 साल के बेटे नवीन ने की थी। पुलिस ने रविवार शाम को उसे गिरफ्तार किया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी भतीजा नवीन ऑनलाइन सट के
गेम का आदी हो चुका था और अपना शौक पूरा करने के लिए 7 लाख रुपए का कर्ज चढ़ा लिया था। इस कर्ज को उतारने के लिए उसने अपनी बड़ी माँ का गला दबाकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार 20 सितंबर शाम को रेवाड़ा गांव में रहने वाली 50 वर्षीय सूखी पत्नी किशनलाल अपने खेत पर पशुओं को लेने गई थी। देर शाम को पशु तो घर लौट आए लेकिन सूखी घर पर नहीं लौट कर आई। इसके बाद परिजनों ने सूखी की तलाश की। गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर एक खेत के अंदर खंडर कुएं में सूखी का शव मिला था। कुएं के बाहर खून के धब्बे थे। सूखी के कान का झुमका भी कुएं के बाहर पड़ा था। ऐसे में परिजनों ने सूखी की हत्या कर शव को कुएं में फेंकने की संदेह जाहिर किया। पुलिस ने इस मामले की जांच की तो नवीन पर शक हुआ। नवीन से पूछताछ करने पर उसने बताया कि गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। धौलपुर जिले में हुई रीट की परीक्षा के दौरान द्वितीय पारी में डिलीवरी के 3 घंटे बाद एक महिला एम्बुलेंस से परीक्षा देने पहुंची। महाविद्यालय में परीक्षा देने पहुंची महिला रमा शर्मा निवासी पिपरौनी ने बताया कि परीक्षा के लिए वह लंबे समय से तैयारी कर रही थी। सोमवार सुबह 10 बजे से झूला चिकित्सालय धौलपुर में उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। डिलीवरी के बाद वह अपने नवजात को लेकर परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र पहुंची। एम्बुलेंस के जरिए परीक्षा केंद्र पहुंची महिला ने बताया कि परीक्षा को लेकर वह पहले से ही तनाव में चल रही थी, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद परीक्षा को लेकर उसका उत्साह 2 गुना हो गया है। जिसके बाद महिला परिजनों के साथ परीक्षा सेंटर पहुंची, जहां दोपहर की पारी में महिला ने रीट की परीक्षा दी। आज के लिए हमारे राजस्थान में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए APN न्यूज़।